हेलो एंड वेलकम टू खाना मुबारक। तो दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे खाने की सर्च में बेंगलुरु में कहाँ अच्छे मिलते हैं छोले भटूरे और बेडमी पूरी, वो ढूंढते ढूंढते मैं पहुँचा हूँ एक ऐसे आउटलेट पे जो चेन्स हैं, इनके दूसरे रेस्टोरेंट चेन हैं बेंगलुरु में, 3-4 हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे छोले भटूरे। यहाँ पे देखिए छोले तैयार हैं और भटूरे बन रहे हैं, यहाँ पे बेडमी पूरी भी ट्राई करेंगे। यहाँ का मेन्यू दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ के टाइमिंग्स दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत कुछ कंप्लीट है के डिटेल्स दिखाऊंगा। यहाँ पे इनका सेटअप ऐसा है, स्टैंडिंग आप हम झटपट लेते हैं यहाँ पे खाकर और अपने काम पर निकलते हैं। तो मैं कोरमंगला के आउटलेट में हूँ, यहाँ के छोले भटूरे दिल्ली स्टाइल के जायके देखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इनका मेन्यू। तो इनके मेन्यू में जो छोले भटूरे हैं 2 पीस को 150 है और हाफ प्लेट भी है छोले भटूरे जो हम हाफ प्लेट लेंगे, और बेडमी पूरी 3 पूरी के साथ 140 है जिसमें आलू और हींग वाली सब्जी मिलती है, आलू की हींग वाली सब्जी। तो ये हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं हमारे टेबल पर। यहाँ पे देखिए छोले और एक अलग स्टाइल जो दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे हैं, ये अचार है छोले के ऊपर, एक आलू का पीस है अलग प्रिपरेशन वाला, और हरी चटनी, और हमने हाफ प्लेट लिया तो इसमें एक ही भटूरा है। तो ये हम देखेंगे यहाँ के जायके, तो शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कौन से रेस्टोरेंट में हूँ, तो मैं हूँ इस वक्त श्यामजी छोले भटूरे, जो मैं आया हूँ कोरमंगला वाले आउटलेट में। तो यहाँ के हम छोले भटूरे और बेडमी पूरी का जायका दिखेंगे। तो ये है कोरमंगला का श्यामजी छोले भटूरे, और ये आ गए हमारी बेडमी पूरी। तो इसके साथ आलू की सब्ज़ी है, हींग वाली आलू की सब्ज़ी है, प्याज, अचार वाली हरी मिर्च और गाजर, ये तो हरी चटनी कॉमन है यहाँ पे। और ये हमारी 3 बेडमी पूरियाँ आ गई। तो मैं इस वक्त श्यामजी छोले भटूरे के यूनिट में, यहाँ पे हमारे छोले भटूरे हैं, हमने हाफ प्लेट लिया है छोले भटूरे का, तो एक भटूरा आया है उसमें, और ये छोले के ऊपर एक अलग स्टाइल है यहाँ पे। दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँचे हैं कोरमंगला। तो इससे पहले मैंने गोपाल जी कैफ़े के छोले भटूरे दिखाए थे, उनका ज़रूर वीडियो देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो ये आज मैं आया हूँ श्यामजी छोले भटूरे, जहाँ पे इनके जो छोले भटूरे का जायका देखेंगे, छोले रेडी करके रखे होते हैं, और जैसे ही ऑर्डर आता है वो आपको जो भटूरे होते हैं, भटूरे बेडमी पूरी वो सब बना बना कर गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा सेटअप है। तो मैं आज हम चखेंगे बेडमी पूरी और इनके छोले भटूरे, तो देखते हैं कि छोले कैसे हैं और भटूरे भी कैसे हैं। तो ये श्यामजी छोले भटूरे का आउटलेट में हूँ मैं कोरमंगला वाले, तो इनका टाइमिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा था। लेकिन सबसे पहले हमारा जायका शुरू करते हैं, हम शुरू करेंगे छोले भटूरे से। तो यहाँ पे देखिए ये जो आलू है, ये आलू को अलग प्रिपरेशन करके रखते हैं, जब सर्व करते हैं तो छोले के ऊपर रखकर आलू को देते हैं। तो ये आलू भी मस्त था, एक अलग ही इसका जायका था, और ये जो छोले थे, छोले भी अच्छे थे, गुड बोलूंगा मैं, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एकदम अमेजिंग नहीं थे, ओके थे, गुड थे। और ये जो छोले के साथ जो भटूरा है, भटूरे में देखिए हरा धनिया और हल्के से आपको छोटे से छोटे जो दिख रहे हैं वो पनीर है, पनीर के बहुत ही बारीक पीसीज इसमें रखकर ये बनाया गया है। ये सॉफ्ट है, फ्लफी है, अच्छी है भटूरे, और इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो छोले हैं एक सटल स्पाइसीनेस है इसमें, उतनी भी ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं है इसमें, बट इट इज़ गुड टेस्टिंग गुड। और जो इसके साथ अचार है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया छोले जो बनाए गए हैं एक बहुत ही सटल, थोड़ी सी स्पाइसीनेस है इसमें बोलूँगा मैं, टेस्ट ओके है इसका, अच्छा है। और ये जो हींग वाली सब्ज़ी मिली है आलू की, जो बेडमी पूरी के साथ मिली है, वो बहुत ही मस्त है, थोड़ा सा स्पाइसीनेस है इसमें। और ये 3 बेडमी पूरी है, तो बेडमी पूरी देखते हैं कि कैसी है। ये जो बेडमी पूरी है पंजाबी नॉर्थ इंडियन दिल्ली साइड का नाश्ता है, ये सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। यहाँ पे देखिए ये उड़द दाल, गेहूँ के आटे और बाकी स्पाइसी से बनती है। तो मुझे यहाँ पे हरा धनिया भी दिखा, तो ये खालिस इसमें जब भी आप ये, जैसे कि क्योंकि ये वीट फ्लावर से बनती है, तो इसमें आप एक्चुअल जो प्योर वीट फ्लावर का टेस्ट होता है वो आप जायका ले सकते हैं इसमें, कंपेयर टू जो बहुत सारे जगहों पर जब आप पूरी भाजी पूरी सब्ज़ी खाते हैं तो वो पूरी मैदे की होती है। लेकिन ये जो बेडमी पूरी की खास बात ये है कि ये वीट फ्लावर से बनती है और उड़द दाल और एक थोड़े स्पाइसी से बनती है, तो इसमें आप एक्चुअल वीट फ्लावर का टेस्ट मालूम कर सकते हैं इसमें, और ये मस्त होती है। अलग अलग जगह पे इसका प्रिपरेशन थोड़ा वेरी होता है,
लेकिन ये कंपेयर टू मैदा बहुत हेल्दी है, लेकिन बट ये डीप फ्राइड है, देन अगेन वो अलग चीज़ है, बट इसका जो इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ये हेल्दी है ब्रेड में पूरी। तो ये हींग वाली आलू की सब्ज़ी जो थोड़ा तरी वाली है, ग्रेवी नहीं है, तो इसके साथ परफेक्टली मैच हो रही है, थोड़ी सी स्पाइसी है, तो ये बेडमी पूरी भी मस्त थी। यहाँ पे छोले भटूरे से ज़्यादा हमको बेडमी पूरी यहाँ पे अच्छी लगी श्याम जी छोले भटूरे में। छोले भटूरे भी यहाँ के जो हैं वो अच्छे हैं, गुड हैं। तो मैं आया हूँ कोरमंगला वाले आउटलेट में, तो और आगे भी मैं हम ढूंढेंगे कि जो अच्छी छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं, और अच्छे मस्त और जो जायके बेंगलुरु के अलग अलग टाइप के जायके हमारे वीडियोज़ चेकआउट करेगा, गोवा मुंबई के मैंने अपलोड करे हैं वो भी, तो मैं फूड और ट्रैवल के वीडियोज़ एक्सप्लोर करता हूँ, आपको अपलोड करते रहता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करिएगा। तो यह इस वक्त हम बेडमी पूरी का जायका ले रहे हैं श्याम जी छोले भटूरे रेस्टोरेंट में। तो ये हींग वाली सब्ज़ी भी अच्छी थी, थोड़ा स्पाइसी थी कम्पेयर टू द छोले विच वेयर नॉट दैट मच स्पाइसी, सो दिस वॉज़ गुड। तो अभी हमारा जो छोले भटूरे का जायका ख़त्म करते हैं। तो ये छोले भी अच्छे थे, गुड, देवर गुड, एंड जो उनके भटूरे थे वो भी अच्छे थे। जो हरी चटनी थी जो बहुत तीखी थी, हरी मिर्च और हरा धनिया की चटनी, और जो अचार था सरसों के तेल में गाजर और हरी मिर्च, वो एक अलग ही टेस्ट था। तो ये यहाँ के टाइमिंग्स हैं, इसको ज़रूर लाइक और शेयर करेगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। देखते रहे हमारे वीडियोस, टेक केयर, स्टे सेफ, खाना मुबारक, खुदा हाफिज़।